हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चाइना द CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो कनेक्ट कर लो जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोल रहा हूँ कि कनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो हमें। देखिए, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट चल रहा है क्लास 11 का, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.1। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। देखो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर। एक्सरसाइज 1.1 तक के हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 14। बट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने से पहले हम क्लॉक सिस्टम जो है वो पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है? क्लॉक सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन 14 जो है बेस है क्लॉक सिस्टम के ऊपर। तो क्लॉक सिस्टम कैसे, देखो आपको पता है जो आपके एनालॉग क्लॉक होती है, जो घर में वॉच होती है, ठीक है? इस तरीके से हम लेते हैं, यहाँ पे कितना होता है 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 हो गया बराबर। और बीच वाले नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर 4, इधर 5, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं बराबर, ठीक है? बाद में 6 के बाद इधर 7 और इधर कुछ तो भी 8, इधर 9 और यहाँ पे 11, ठीक है? 12 आवर्स की क्लॉक होती है अपनी, कितने आवर्स की क्लॉक होती है, 12 आवर्स की क्लॉक होती है ये बीच। अभी उसमें क्या होता है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। तो मिनट हैंड आवर हैंड जो है देखो लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना है यहाँ पे 10 बजे, ठीक है? तो ये देखो आवर हैंड जो है वो 10 के ऊपर रहेगा और ये मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 12 के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये कितना है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, ठीक है? तो यानी वो कितना डिग्री है, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये डिवीजन जो है, टोटल डिवीजन्स कितने हैं, 12 डिवीजन। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 12 आवर्स है, तो डिवीजन्स कितने हो गए, उसके पार्ट्स कितने हो गए, 12, राइट? 12 इक्वल पार्ट्स। तो ये पूरा सर्कल मतलब कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। देखो ऐसे अगर घूम के 12 से लेके घूम के 12 पे आ गया, कितना डिग्री हो, 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ ऐसा अगर एंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 11 मान लो, ठीक है? इस तरीके से 11 और 12 के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल कितना है, 12 और 1 के बीच में एंगल कितना है, 1 और 2 के बीच में एंगल कितना है, 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है। कॉन्जिगेटिव मार्क्स है ना, कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 12 के बाद 1 आता है, इन दोनों का एंगल, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच का एंगल, तो ये कितना है पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट? तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो कॉन्जिगेटिव मार्क्स का जो एंगल है, यानी एंगल बिटवीन द कॉन्जिगेटिव मार्क्स, तो वो कितना होगा। देखिए तो कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लो, एंगल बिटवीन कॉन्जिगेटिव टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, ठीक है? एंगल बिटवीन द टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स इक्वल्स टू टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने डिविजन्स है टोटल, देखो 12 आवर्स की वॉच है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिविजन 12 का टेबल, 12 थ्री जा और ये 0, 30 डिग्री। तो कितना होगा एंगल बिटवीन द टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, यानी कॉन्जिगेटिव मार्क्स मतलब 12 और 1 1, यानी हर एक जो डिवीजन है वो कितने का रहेगा, 30 30 30 ऐसा, राइट? बराबर 360 होगा वो। तो आ गया समझ में, फर्स्ट ये कंसेप्ट हर प्रॉब्लम में आएगा, यानी आपको ये लिखना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करते हो आप, तो ये तो हो गया एंगल बिटवीन द कॉन्जिगेटिव मार्क्स। अब आपको क्या करना है कि ये भी लिखना है, एंगल ट्रेस या एंगल मेड बाय आवर हैंड, ठीक है? एंगल मेड बाय आवर हैंड, अभी एंगल मेड बाय आवर हैंड इन वन मिनट। अगर ये आपको निकालना है, देखो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में आवर हैंड, ये जो आवर हैंड, जैसे 1 मिनट मूव हो रहा है इधर, 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये कितना मूव हो रहा है, क्योंकि कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल 11:10 हो रहे, तो ये एग्जैक्टली 11 पे नहीं होता, ये 11 के आगे रहेगा, ठीक है? ये आवर हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और इधर 10, ये एग्जैक्टली रहेंगे 10 पे। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो रहा है, उसने अगर कितना कवर किया, एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में
कितना, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए क्या करना है, सिर्फ ऐसे सेम रखना है 360 डिग्री 12, सिर्फ आपको यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलवेज ध्यान में रखो, ये भी स्टेप रिपीट रहेंगे, देखो ये भी स्टेप रिपीट, ये भी स्टेप रिपीट, हर प्रॉब्लम में ये स्टेप आएंगे, दोनों भी जो स्टेप्स है ये आएंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन 12 × 60, देखो ये मिनट के लिए हम यहाँ पे 60 लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, देखो इसको अगर कैंसिल कर रहे हो आप तो 1/2 डिग्री आएगा, चेक कर लो, ठीक है। कैसे, ये कैंसिल कर लो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो ऐसा आएगा 6/12, 6/12 मतलब कितना हो रहा है, 1/2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया समझ में। चलो इतना आ गया समझ में, बोलो अभी नेक्स्ट क्या करते हो, आप प्रॉब्लम करेंगे। चलो इसके जो है प्रॉब्लम्स करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखो इसको हटा देता हूँ मैं, समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा फर्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट, फर्स्ट है यहाँ पे 10 past 11, 10 past 11। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है 10 past 11 का मतलब, देखो 10 past मतलब 10 आगे, ठीक है। 11 किस, इसका मीनिंग क्या होता है, 11:10, 11:10 आ गया समझ में। देखो 10 past मतलब ये 3 मिनट हो रहा है, 11 जो है 11 hours 10 minutes, आ गया समझ में। अगर ऐसा कभी रहा तो ये ध्यान में रखना है 10:11 नहीं, 11 जो है 11:10 मतलब 11:10, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ अगर रहता है 15 past 11 तो 11:15 लिखना था आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आया। अब इसको कैसे, इसका जो है क्लॉक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, 10 past 11 तो यहाँ पे लिखना है at 11:10, ठीक है। क्या होता है कि जो क्लॉक है, क्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे 12 है, एक मिनट अंदर लेते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, ये 1, ये 2 और ये 3 4, ये 5 6 7 8, ठीक है। ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, समझ लो आप अच्छे से। अब आपको क्या करना है, 11:10 बताना है उस क्लॉक में। अब बताओ जो आवर हैंड है छोटा, 11:00 मतलब वो जो है 11 की तरफ ये करेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये 10 मिनट हो रहा है मतलब 2 की तरफ, क्योंकि ये 5 मिनट और ये 10 मिनट, 2 की तरफ, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। लेकिन ये ध्यान में रखो, कभी भी अगर वो एग्जैक्टली 11 नहीं रहा, 11 के अगर आगे जा रहा है तो ये जो आवर हैंड होता है वो भी थोड़ा आगे जाता है, मतलब वो 11 से आगे बढ़ेगा थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तो ऐसा आएगा, एग्जैक्टली 11 भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा कुछ, हो गया। तो आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, देखो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में का एंगल। आवर हैंड कौन सा है, जो छोटा वाला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवर हैंड कौन सा, जो छोटा वाला होता है ना, छोटा मार्क जो दिख रहा है ना आपको, ये नीडल वो होता है, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, मिनट हैंड होता है, ठीक है। तो आपको ये एंगल निकालना है, देखो थोड़ा सा रफली अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर आया होगा। कैसे, मैंने पहले ही बोला था कॉन्जिगेटिव मार्क के बीच का जो ये रहता है ना एंगल, वो 30 डिग्री होता है, सही है। तो बोलो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप 11 से ले रहे हो, 11 और 2 के बीच में, क्योंकि क्या हो रहा है, 11:10 मतलब ये 11 एंगल बन रहा है, ये पहला डिवीजन 30, ये 30, ये 30, कितना हो गया 90, सही है। तो 90 के आसपास आएगा, लेकिन 90 नहीं आएगा, 90 से कम आएगा। कैसे, यहाँ तक 90 बनता है, ये तो कम हो रहा है ना उससे, तो 90 से कम होगा। अब देखना है कितना कम होता है, वही हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली कि गेस कर रहे हो भाई, नहीं 90 तो नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है।
अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को और सपोर्ट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक के ये वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जो टॉपिक है इसमें डाउट आता है, सबसे ज़्यादा उनको ये टॉपिक टॉप लगता है इस यूनिट का, मैं बनाता हूँ इसको ईजी, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना एट 11:10, ठीक है। देखो 11 hours 10 minutes है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला ये शिफ्ट होके तो वो थोड़ा सा आगे जाएगा, एग्जैक्टली 11 पे नहीं रहता है, शिफ्ट होके आगे जा रहा है, राइट। अब क्या करना है इसके बारे में सोचो कि ये जो है आवर हैंड कहाँ पे है, 11 की तरफ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट 11 hours 10 minutes, कौन सा हैंड है, आवर हैंड, ऐसे लिखना है आवर हैंड क्रॉस, आवर हैंड क्रॉस, क्रॉस कर दिया आवर हैंड क्रॉस, कौन सा मार्क, 11 मार्क क्रॉस कर दिया, क्रॉस मार्क 11, ठीक है, 11 को क्रॉस कर दिया। एंड मिनट हैंड कहाँ पे है, मिनट हैंड इज एट मार्क 2 है ना, एट मार्क 2, दो जो मार्क दिख रहा है उस पे है मिनट हैंड, एग्जैक्टली रहेगा वो, ये आगे चला गया, इसने क्रॉस कर दिया ना, 11 को क्रॉस कर दिया यानी आगे जा रहा है, समझ में आ रहा है। देखो बेसिक कंसेप्ट, हर एक जो चीज़ है मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक प्रॉब्लम समझ में, आपके अगले वाले प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखो तो आवर हैंड क्रॉस मार्क 11, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो होता है ना एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल बिटवीन, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कुछ देर पहले वही लिखना है, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, मार्क्स मतलब समझ में आ रहा ना, ये 1, 2, 3, 4 वाले जो नंबर्स है, वो एंगल बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स कितना होता है, ये 360 degrees upon 12, क्योंकि 12 आवर्स की वॉच क्लॉक है तो 12 से डिवाइड करूँगा, ये सबको पता है कितना डिग्री होता है, 30 degrees। तो ये तो गया एंगल बिटवीन कॉन्जिगेटिव मार्क्स टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, राइट। चलो अच्छी बात है, इतना समझ में आया होगा क्योंकि ये कंसेप्ट में पढ़ाया था मैंने अभी कुछ देर पहले, तो यही कंसेप्ट आपको हर प्रॉब्लम में यूज़ करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक मार्क के लिए, यानी ऐसा, यानी ये 1 डिवीजन के लिए 30 degrees बना रहा है। अब क्या करना है, एंगल बिटवीन कहाँ से, 11 और 2 के बीच का, तो यहाँ पे लिखो एंगल बिटवीन मार्क 11 एंड मार्क 2। देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 11 और 2 के बारे में। ये जो अपना मार्क, यानी ये जो निडल, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 11 से आगे है, लेकिन हम कहाँ से लिख रहे हैं, 11 से, क्योंकि 11:10 ऐसे बचते, तो 11:10 मतलब 11 से लेके 2 का आपको पहले एंगल निकालना है, ठीक है। बाद में कम करेंगे अपन, ठीक है, कम करेंगे बाद में, लेकिन एंगल बिटवीन मार्क 11 एंड मार्क 2 कैसे करूँगे, कितने डिवीजन से, 11 से लेके 2 तक के, देखो एक डिवीजन यहाँ पे, 2, 3, तो 3 × कितना डिग्री बनेगा, 30 degrees, आया समझ में, क्यों, क्योंकि हर एक का 30 होता है ना, फिर 30, 30, 30, 3 times 30 मतलब 90, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 90 degrees। बट ये आंसर है क्या, नहीं, ये सिर्फ 11 और 2, देखो ये इसके लिए है, ये इसके लिए, लेकिन आपको तो ये एंगल निकालना है ना, ठीक है। तो 90 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आएगा, आप कैसे करूँगे, ये नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, ये तो होगा 90 वाला केस। अब आपको करना है वो नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने लिखा था, एंगल मेड बाय आवर हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल मेड बाय आवर हैंड, एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 minute, कितने मिनट में, 1 minute में, 1 minute में कितना वो कवर कर रहा है, मेड कर रहा है, ठीक है, एंड ट्रेस कर रहा है आवर हैंड इन 1 minute, क्योंकि ये 1 minute में कितना ट्रेस करता है वो कैसे निकालते हैं आप, देखो 360 degrees upon 12 इंटू, यहाँ पे 60 करना था, जब 1 minute के बारे आता तो 60 करेंगे, तो कितना होता है वो 1/2 degrees, चलो आ गया 1/2 degrees निकाला था ये आपने कैलकुलेशन। अब आगे, इसके आगे देखो कैसे होगा सॉल्व, देखो प्रॉपरली होगा इतना, देखो 1 minute में वो कितना डिग्री बना रहा है, हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री मूव हो रहा है 1 minute में, हाफ डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब कितना मिनट, ये देखो मिनट, जो मिनट क्या है, मिनट हैंड कितना है, 10 minutes, तो 10 minute में कितना मूव होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन कितना मिनट, इन
10 मिनट। देखो 1 मिनट में अगर वो हाफ डिग्री बना रहा है तो 10 मिनट्स में कितना बनेगा, 10 मिनट्स में कितना बनेगा, ये देखो वैसे ही रहेगा, ये 1 डिग्री वाला, 1/2 डिग्री इंटू 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे 10 लगा दो, 1 मिनट में वो हाफ डिग्री बना रहा था, तो 5 मिनट्स में कैसे बनाएगा, 1/2 × 5 करेंगे। अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 10 मिनट्स, तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 15 होता तो 15, 35 होता 35, 60 45 होता तो 45, आ गया समझ में। चलो 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 5 = 10, तो 5 डिग्री कितना हो रहा है, फिर वो आगे कितना जा रहा है, 5 डिग्री। तो ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 5 डिग्री माइनस करना पड़ेगा किस में से, 90 में से, क्योंकि मेन एंगल ये था 90, 11 से लेके 2 तक के कितना एंगल बन रहा था, 90, तो 90 में से हमें तो पता था कि कुछ माइनस करना है, कितना डिग्री माइनस करना है, फिर 5 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो, देखो अब लिखूँगे कैसे, ये फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको, एंगल बिटवीन, देयरफॉर एंगल बिटवीन कौन सा, आवर हैंड एंड मिनट हैंड कैसे करते हो, 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 5 डिग्री। ये मैंने एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 10 मिनट्स, अगर मैंने पहले बोला है 10 मिनट का ये है, दिख रहा है आपको 10 मिनट आगे जा रहा है, तो 10 × 1/2 करना है, अगर 30 मिनट्स होता तो 1/2 × 30 करते, आगे समझ में, जितना मिनट्स रहेगा उससे मल्टीप्लाई करो, 90 - 5 कितना हो रहा है, 85 डिग्री। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। चलो राइट डाउन, यहाँ तक समझ में आया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो डायग्राम ये चेंज होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेकंड वाला करना है सॉल्व, सेकंड वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस देखो, क्लॉक वही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड की पोजीशन यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 20 past 7, 20 past 7, 20 past 7 मतलब 7:20। देखो ये समझ लो अच्छे से, 20 past 7 का मतलब क्या होता है, 7:20, ठीक है, 7 hours 20 minutes। तो यहाँ पे लिखो एट 7:20, अब 7:20 कैसे लिखोगे, देखो छोटा वाला जो है 7 के तरफ रहेगा, 20 मिनट्स आगे रहेगा, 20 मिनट्स मतलब ये देखो, ये 5 मिनट 10 मिनट ये पता है आपको, 15 मिनट 20 मिनट यानी एग्जैक्टली यहाँ पे होगा मिनट हैंड, और जो 7 वाला होता है एग्जैक्टली 7 पे नहीं रहेगा छोटा वाला, वो 7 से आगे, क्योंकि 20 मिनट आगे जा रहा है मतलब वो थोड़ा सा आगे होगा यहाँ तक के, ठीक है, आ गया समझ में, 7 के थोड़ा सा आगे। तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, रफली माइंड में कैलकुलेट कर लिया होगा आपने कैसे, 4 और 7 के बीच का एंगल, ये 30, 30, 30, 90, लेकिन 90 से आगे जाएंगे वो, देखो 7 के आगे है वो जो आवर हैंड है। तो कैसे करोगे, फिर 90 प्लस समथिंग आएगा, वो प्लस ही तो निकालना है, कितना डिग्री उसमें ऐड करना है वो आपको निकालना है। तो कैसे करते हो आप, देखो एट 7:20 क्या हो रहा है, 7:20 में अभी क्रॉस वाला मार्किंग वगैरह लिखो, क्या लिखोगे आप, एट 7 क्या कर लिया, आवर हैंड ने क्रॉस कर दिया, आवर हैंड क्रॉस मार्क 7, 7 को क्रॉस कर दिया, एंड मिनट हैंड कहाँ पे है, मिनट हैंड मार्क, देखो मिनट हैंड बड़ा वाला है वो कहाँ पे है, 4 के ऊपर है, दैट मार्क 4। चलो तो फिर इसके बीच का एंगल तो निकालना, लेकिन सबसे 2 consecutive मार्क्स, ठीक है, वो क्या होता है 360 degrees / 2 विच इज 12, क्योंकि 12 आवर्स की क्लॉक है, विच इज 30 degrees, उसका आंसर आपको याद हो चुका है 30 degrees, ठीक है, एंगल 30 degrees होगा। आप क्या करोगे, आप एंगल बिटवीन किसका करोगे, देखो 7 और 4 के बीच का एंगल निकालते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा समझ लो, 7:20 है, तो इसका मतलब 7 और ये 20 मतलब ये 4, ठीक है, इनके बीच का ही निकलना है। तो एंगल बिटवीन मार्क 7 एंड मार्क 4, इनके बीच का आप एंगल निकालो, तो कितने डिविजन्स है, देखो 1, 2, 3 डिविजन्स है, तो 3 × कितना डिग्री करना पड़ेगा, 30 degrees, क्योंकि हर एक का 30 होता है इसलिए, तो 3 × 30 अगेन 90, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसे। तो एंगल बिटवीन मार्क 7 एंड मार्क 4, आ गया समझ में इतना। चलो इनके बीच का तो एंगल निकल गया, लेकिन आपको पता है कि ये आगे चला गया है जो आवर हैंड आगे,
तो वो आवर हैंड वो 20 मिनट में कितना आगे जा रहा है वो निकालना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंगल ट्रेस, एंगल मेड बाय आवर हैंड, आवर हैंड इन वन मिनट, वो तो आपका याद ही है। इन वन मिनट के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है हाफ डिग्री होता है कैसे, 360 डिग्री इंटू 12 इंटू 60 विच इज़ हाफ डिग्री होता है 1/2 डिग्री। अब ये किसके लिए है, वन मिनट के लिए। आपको कितना मूव करना है, 20 मिनट्स मूव करना है, 20 मिनट्स के लिए निकालना है। तो 20 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा तो कर लो कैलकुलेट। चलो फिर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो कंसेप्ट वही है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम 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 लिखना है वैसे के वैसा ही। चलो तो यहाँ पे लिखना है एंगल ट्रेस बाय, एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड, यहाँ तक सब सेम, आवर हैंड इन, अभी वन मिनट था, अब कितना मिनट आएगा, 20, क्योंकि आप ये देखो ये 20 मिनट्स है, 5, 10, 15, 20 मिनट, 20 मिनट्स। तो उसके लिए करना है कैसे करोगे, ये 1/2 डिग्री दिख रहा है आपको, 1/2 डिग्री इंटू 20 मिनट्स है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करो, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में 10 मिनट्स था, 10 से किया था, बोलो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री बनाएंगे एंगल ट्रेस, कितना कर रहा है वो 10 डिग्री। तो फिर आपको फाइनली एंगल बिटवीन ये आंसर लिखना पड़ता है, एंगल बिटवीन क्या है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड ये एग्जैक्टली आवर हैंड और इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इसके लिए आप क्या करने वाले हो, 90 डिग्री जो एंगल था इनके बीच का उसमें ऐड करने वाले हो, प्लस क्यों, देखो आवर हैंड जो है 7 के आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा कितना डिग्री आगे जा रहा है, 10 डिग्री आगे जा रहा है। देखो ये 10 डिग्री हमने निकाला क्योंकि 20 मिनट्स में वो कितना आगे मूव करेगा, देखो अगर वो 7 पे रहता तो मतलब क्या होता है, 7 अगर बचते तो ये 12 पे रहता है मिनट, ठीक है, मिनट आवर मिनट हैंड, फिर बाद में ये मूव कर रहा है, इसका मतलब 7 वाला भी ऐसे आवर हैंड आगे आगे चला जाता है, ठीक है, तो 8 के तरफ चला जाता है। 90 और 10 कितना हो रहा है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में, चलो बोलो जल्दी नेक्स्ट। तो 100 डिग्री हो चुका है हमारा, अब फिर से क्लॉक चेंज, ठीक है, पोजीशन चेंज होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड वाला क्या है, थर्ड केस, थर्ड में है एक्चुअली 1:35, ठीक है, यानी 1:35, कितना है, 1:35, 1:35, ठीक है, 1:35, ये 3 नंबर का है, एक मिनट मुझे इंक फिल करने दो यहाँ पे, ठीक है। देखो वीडियोज अच्छे लग रहे हैं सभी को, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, सभी लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि वीडियोज प्लेलिस्ट में सेव है। देखो अगर आप 11 के पूरे यूनिट्स अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक के शेयर करो, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है, जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतने ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगे। देखो अगर पढ़ने वाले अगर रेडी होंगे तो हम पढ़ाने के लिए ऑलवेज रेडी है, तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप चैनल को कितना ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं 1:35, राइट, सही है क्वेश्चन, 1:35। देखो ये 35 मिनट, 35 मतलब 35, 1:35, तो यहाँ पे लिखो 1:35। अब देखो 1:35 मतलब जो आवर हैंड है ऐसा आगे आएगा, एक से आगे आएगा, यानी 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है, और 35 मिनट मतलब ये देखो 5, 10, यहाँ पे 30 मिनट होते हैं, यहाँ पे 35 मिनट, तो इस तरीके के रहेगा ये मिनट हैंड। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। अब देखो एंगल निकालना है उन दोनों के बीच में का, आवर हैंड और इसका, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है छोटा वाला, वो किसको क्रॉस कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आवर हैंड क्रॉस मार्क 1,
एंड, मिनिट हैंड कहाँ पे? मिनिट हैंड कौन से मार्क पे है? इज एट मार्क 7, बराबर है 35 मिनट, मतलब ये 7 पे आएगा, बराबर हो गया इतना। मिनिट हैंड इज एट मार्क 7, आपको पता है एंगल बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, वही कंसेप्ट रिपीटेटिवली यूज होंगे यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मार्क्स, तो दो कॉन्जिगेटिव मार्क्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री बाय 12, विच इज 30 डिग्री। देखो अब क्या करोगे आप, एक से लेके, क्योंकि एक से लेके 35 मतलब यहाँ से 1:07 तक के इनके बीच का एंगल, ये कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 30 का, क्योंकि हर एक का 30 होता है ना इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बिटवीन मार्क 1 एंड मार्क 7, ठीक है। 1:35 मतलब वही है ना, ये मार्क 1 के ऊपर अवर हैंड है आगे थोड़ा सा, और मार्क 7 तो वहाँ से लेंगे हम, यानी 1 से लेके 7 तक के कितना होता है, कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन है, तो 6 × 30, क्योंकि हर एक डिवीजन का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो उस हिसाब से 6 डिवीजन का कितना होगा, 6 × 30, राइट। समझ में आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितना हो रहा है, 6 × 3 = 18, तो 180 डिग्री, ठीक है। वैसे भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा अगर ऐसी लाइन बनाई तो, ठीक है। तो आपको पता है ये 180 से कम होने वाला, क्योंकि ये आगे झुका थोड़ा सा, यानी कम होगा, क्योंकि 180 ऐसा था ना, ये तो थोड़ा सा हल्का सा इधर है मूव, तो ये कम करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, एंडिंग में। अब वो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है वो तो एंगल मेड बाय ओवर हैंड ही बताएगा हमें। तो चलो लिखते फिर, एंगल मेड बाय ओवर हैंड कितने मिनट में, इन 1 मिनट, जो कि आपको सबको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 360 डिग्री, ये ऐसे लिखना है 12 × 60, विच इज़ हाफ डिग्री, ये तो पता ही है सबको आंसर इसका, हाफ डिग्री आता है। अब आपको पता है कि एंगल 1 मिनट में इतना हो रहा है हाफ डिग्री, तो 35 मिनट्स में कितना होगा, तो एंगल ट्रेस बाय ओवर हैंड, देखो यहाँ पे ओवर हैंड ही है, ओवर हैंड इन 35 मिनट्स के लिए निकालना है आपको। तो क्या करोगे आप, 1/2 डिग्री लिखोगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हाफ कर दो इसका, 35 का हाफ कितना होता है, 17.5, तो 17.5 जो डिग्री रहेगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे आप, 17.5 डिग्री, तो एंगल ये 35 मिनट्स वाला हो गया। अब आपको लास्ट आंसर लिखना है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जो कि रहेगा टोटल एंगल कितना बन रहा था, 180, 1 से लेके 7 तक के 180 बन रहा था, उसमें से मैंने पहले बोला आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 180 से कम है वो, ठीक है। तो कितना डिग्री कम है, ये आया हमारा आंसर 17.5, क्योंकि आवर हैंड जो है मूव हो गया ना, वो कितने डिग्री से मूव हुआ, 17.5 से, तो 17.5 कम बनेगा। इसका कैलकुलेशन अगर आपने किया तो एक मिनट चेक कर लो कितना होता है, 180 में से अगर 17.5 गया, 162.5 डिग्री, चेक कर लो सही है या गलत है, तो यस आ गया। अब आपको इसको अगर डिग्री और मिनट में करना है, देखो 162.5 डिग्री है ये इसको अगर कन्वर्शन करना है, रेडियन में नहीं बोल रहा मैं, मिनट में, तो आपको वह बोला था ये 162 डिग्री निकालते हैं, प्लस करते हैं हम ये 0.5 डिग्री, राइट, और इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू।